दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही थी, जिसमें कि काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स यानी कि फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स जो थे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम आ गई थी। साथ में आपको HDFC कार्ड के साथ और भी एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल रही थी। अगर मैं बात करूँ रियलमी X50 प्रो की, तो ये फ़ोन आपको नॉर्मल डेज में 40 से 41 हज़ार के आसपास मिल रहा था, लेकिन इस सेल में ये फ़ोन आपको 25 हज़ार के आसपास की प्राइस रेंज में देखने को मिल जा रहा था। और कई लोगों ने इस डील को ग्रैब भी कर लिया था, मतलब फ़ोन्स को ख़रीद लिया था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके एरिया में डिलीवरेबल नहीं था, तो वो लोग नहीं ख़रीद पाए थे इस फ़ोन को। और कई लोग ऐसे भी थे जहाँ जो ख़रीदने गए थे आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो इस वजह से नहीं ख़रीद पाए थे। तो उन लोगों के लिए एक और मौका हो सकता है। कब आएगी सेल, नेक्स्ट सेल कितने दिनों के लिए होगी, कितने प्राइस हो सकती है, हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो जाए, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल का नाम क्या होगा। इस सेल का नाम होने वाला है फ्लिपकार्ट बोनांजा मोबाइल बोनांजा सेल। और ये सेल स्टार्ट होगी कब से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल स्टार्ट होगी 25 मई के बाद से, कभी भी ये सेल आ सकती है। अगर आपको जानना है कि कब से सेल स्टार्ट हो रही है, कितने में फ़ोन आ जाएगा, क्या उस टाइम पे लेने लायक रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सेल स्टार्ट होगी आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिएगा। अगर बात करूँ कि कितने दिनों के लिए ये सेल चलने वाली है, तो देखो यार, पिछले बार की तरह ये सेल भी लगभग 6 से 7 दिन तक तो चलेगी ही चलेगी। और मेरे हिसाब से इस सेल के अगर ख़त्म हो जाता है, अगर आपके एरिया में डिलीवरेबल तब भी नहीं होता है, आप किसी वजह से इस फ़ोन को नहीं ले पाते हो, जितने भी फ़ोन्स होते हैं इस सेल में सस्ते दाम पर आप नहीं ले पाते हो, तो आपके लिए और भी मौके आएंगे। कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। अगर मैं बात करूँ इस सेल में कितने दिनों तक रहेगी, तो ये सेल लगभग 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, या फिर 25 के बाद भी हो सकती है, मतलब कभी भी हो सकती है 25 के बाद, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो ये सेल आपको 3 से 4 दिनों तक की देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको अगर जैसे ही सेल स्टार्ट होती है आप फ़ोन ले लोगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। बाकी अगर मैं बात करूं कि कितने प्राइस रेंज तक कौन कौन से फ़ोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस सेल में, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रियलमी X50 प्रो की, ये फ़ोन आपको नॉर्मल डेज में इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो 30 से 34 हज़ार के आसपास देखने को मिल जा रहा है, लेकिन सेल में ये इसका जो प्राइस है ये थोड़ा सा और भी कम आएगा। कितना आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो प्राइस होने वाला है ये मेरे हिसाब से लगभग 22 से 23 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मल। और अगर आप सेल में इस फ़ोन को ले लेते हो, तो उस टाइम पे इससे बेहतर डील आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी और फ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि MI 10T, तो इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन है ये मेरे हिसाब से आपको लगभग 27 से 28 हज़ार के आसपास बिना किसी एक्सचेंज के देखने को मिल सकता है। और अगर बात करूँ रियलमी X7 प्रो की, तो ये भी थोड़ा सा और भी सस्ता हो जाएगा। कुछ ऐसे फ़ोन्स भी हैं जो कि महंगे फ़ोन्स हैं, अभी इसी साल लॉन्च हुए हैं, तो उनके भी प्राइस कम आने के चांसेस हैं, तो इस सेल को आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप अच्छा फ़ोन लेना चाहते हो, अच्छे प्राइस पर लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए सेल हो सकती है। ख़त्म करते हैं वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह से रोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे करना मत भूलिएगा।